हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अमेजिंग से एक प्रोडक्ट्स, जिनकी हेल्प से आप अपने वाटरप्रूफ मेकअप को या फिर कैसा भी मेकअप हो उसे इजीली रिमूव कर सकते हैं। और बिगनर्स और टीनेजर्स के लिए आज की वीडियो खास तौर से बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और आज की वीडियो में मैं आपको जो भी प्रोडक्ट्स दिखाने वाली हूँ, ये आपको कुछ प्रोडक्ट्स आपको आपकी घर में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। और आई एम श्योर आप भी यही सभी चीजें इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि काफी बार मेरे पास भी अगर मिसेलर वाटर वगैरह अगर ऐसी कोई चीज नहीं होती है तो मैं इन सब चीजों से अपना मेकअप जो है रिमूव कर लेती हूँ। और अगर आप कैसा भी मेकअप करते हो, वाटरप्रूफ मेकअप या फिर कैसा भी मेकअप हो, आप इन प्रोडक्ट्स की हेल्प से अपना मेकअप इजिली रिमूव कर सकते हैं। और तो चलिए देख लेते हैं। और जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स मैं आज बताने वाली हूँ, इनके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज यूजल दे दूंगी, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। तो प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप कुछ इम्पोर्टेंट मिस ना कर दे। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो घंटी का बटन है इसे जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आपसे कोई भी मेरी न्यू वीडियोस मिस नहीं होगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप वाटरप्रूफ मेकअप को या फिर किसी भी तरह के मेकअप को किन किन चीजों से रिमूव कर सकते हैं। और वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपको सारे ऑप्शंस दिखाने हैं। और खास तौर से बिगिनर्स और टीनेजर्स भी इन सभी चीजों को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और गाइज, इन सभी चीजों का कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी रिएक्शन नहीं है, क्योंकि मैंने ये चीजें खुद भी इस्तेमाल की हैं। तो चलिए देख लेते हैं। और मैं यहाँ पर आपको प्रोडक्ट जो भी दिखाऊंगी वो कैटेगरी वाइज दिखाऊंगी कि इनमें कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी। सबसे पहले तो चलिए देख लेते हैं क्विकली। सबसे पहला आप ये प्रोडक्ट देख सकते हैं मेरे हाथ में है इस वक्त, मॉइसॉफ्ट का मॉइस्चराइजर। ये बहुत ही बेहतरीन मॉइस्चराइजर है, मॉइस्चराइजिंग एंड नरिशिंग लोशन फॉर ड्राई स्किन के लिए सबसे बेस्ट है। और विंटर्स में खास तौर से मैं इसे ही इस्तेमाल करती हूँ। और गाइज, ये वाला मॉइस्चराइजर भी आपका मेकअप रिमूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आप इसकी हेल्प से भी अपने मेकअप को रिमूव कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और मॉइस्चराइजर है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड है मेरे पास यहाँ पर पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर लोशन, विटामिन्स B3, E एंड C। तो ये लोशन भी काफी अच्छा है, इसकी हेल्प से भी आप अपने मेकअप को रिमूव कर सकते हैं। जी हाँ, इसकी हेल्प से भी आप मेकअप को रिमूव आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो वाटरप्रूफ मेकअप हो या फिर कोई और मेकअप किया हो आपने, तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब थर्ड नंबर पे मैं आपको बताने जा रही हूँ, यहाँ पर है मेरे हाथ में निविया बॉडी लोशन एक्सप्रेस हाइड्रेशन एक्स्ट्रा फास्ट एब्जॉर्प्शन। ये बॉडी लोशन भी बहुत अच्छा है, इसकी हेल्प से भी आप अपने मेकअप को रिमूव कर सकते हैं। और गाइज, मैं आपको यहाँ पर ऑप्शंस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि समटाइम्स अगर हमारे पास एक चीज नहीं होती है तो काफी बार हमें दूसरे प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं होता है कि हम उसकी हेल्प से भी अपने मेकअप को रिमूव कर सकते हैं या नहीं, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर ये ऑप्शंस दे रही हूँ। तो यहाँ पर है निविया का बॉडी लोशन, इसकी हेल्प से भी आप अपने मेकअप को रिमूव आसानी से कर सकते हैं और ये आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करेगा और आपकी स्किन में कोई भी ड्राइनेस नहीं आने देगा। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ निविया का ही सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइजर। जी हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसकी हेल्प से भी आप अपने मेकअप को रिमूव कर सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगेन मैं आपको दिखाने जा रही हूँ निविया क्रीम, इसकी हेल्प से भी आप अपने मेकअप को रिमूव कर सकते हैं। जी हाँ, ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है, काफी बजट फ्रेंडली भी है, पॉकेट फ्रेंडली है और ट्रेवल में भी आप इसे इजिली इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका प्राइस आप देख सकते हैं 45 रूपीज है, सिर्फ ये 45 रूपीज में आपको मिल जाता है। और मैंने इन सभी मॉइस्चराइजर के बेनिफिट्स भी आपको बताए हुए हैं, तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो पे जा सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जरूर देखिएगा, वो वीडियो भी काफी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो ये भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, इसकी हेल्प से भी आप अपने मेकअप को रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रोडक्ट क्या है, और ये है एस्ट्रॉबेरी मेकअप रिमूवर क्लिंजिंग मिल्क। तो ये भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है और आप देख सकते हैं मैंने काफी इसे खत्म कर दिया है, सिर्फ वन टाइम का बचा हुआ है इसमें, आप देख सकते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्लिंजर का काम करता है और प्लस ये एक बहुत अच्छा मेकअप रिमूवर का भी काम करता है, इसकी हेल्प से भी आप अपने मेकअप को रिमूव कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये भी, और ये मुझे फेशियल किट में कॉम्बो ऑफर में मिला था। और वैसे अगर आप इसे नॉर्मल मार्केट में भी परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वहां भी आपको ये जरूर मिल जाएगा। और ये भी आपको 70 रूपीज के प्राइस में मिल जाएगा, जो कि बिगनर्स और टीनेजर्स के लिए बहुत अच्छी डील हो सकती है। इतने कम बजट में आपको इतना अच्छा क्लिंजिंग मिल रहा है, वो भी मेकअप रिमूव भी कर सकते हैं आप इससे और अपने फेस की क्लिंजिंग भी कर सकते हैं, ये भी दोनों ही तरह से काम आएगा आपके।
और नेक्स्ट जो मेरा प्रोडक्ट है, माय फेवरेट प्रोडक्ट है, मेरा मनपसंद करंट फेवरेट प्रोडक्ट है ये। मैं इसके बारे में बताने में बहुत खुशी होती है मुझे, मैं जब भी इसके बारे में बताने लगती हूँ। और अगर आपने मेरी इस प्रोडक्ट की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो गाइज प्लीज देखिएगा उस वीडियो को, आपने उस वीडियो को बहुत पसंद किया है, बहुत ही प्यार दिया है उस वीडियो को, तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो पे जा सकते हैं। और ये गाइज आपके दोनों ही तरीके से काम करता है स्किन पर, एश्योर प्यूरिफाइंग क्लिंजर प्लस टोनर आप देख सकते हैं, और ये आपकी स्किन से डर्ट इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है, मेकअप को आप इजिली रिमूव कर सकते हैं, आपकी स्किन को टोन करता है और स्किन विदाउट ड्राई, और आपकी स्किन को ड्राई किए बिना ये आपकी स्किन पे वर्क करता है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं इसमें है टी सीड ऑयल एंड रोज वाटर, और बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है गाइस, प्लीज इसकी वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छा एक मेकअप रिमूवर का काम करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि काफी शायद ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो आपके फेस पर जलन भी कर देते हैं, बट इस प्रोडक्ट के साथ ऐसा नहीं है, इसे कोई भी आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। बट अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप एक पैच टेस्ट जरूर कर लीजिएगा कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले। हाँ, हो सकता है आपको थोड़ा सा ये कॉस्टली लगे, 315 रुपीज में है, यानी कि 315 रुपये में आपको मिल जाता है। वैसे ऑनलाइन बहुत अच्छे डिस्काउंट चलते रहते हैं तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। इसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज यूजल दे दूंगी, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक और प्रोडक्ट है यहाँ पर है VLCC सैंडल क्लिंजिंग मिल्क, नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवाया था तो ये भी काफी अच्छा है। बट मैं इसके बारे में आपको एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स, कि जब भी आप VLCC का कोई भी क्लिंजिंग मिल्क अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी स्किन पे एक बार पैच टेस्ट जरूर करके देखिए, क्योंकि हो सकता है शायद आपको हल्की फुल्की सी शायद इरिटेशन लगे। मैंने भी इसे काफी बार यूज किया है बट अभी तक काफी प्रोडक्ट बचा भी हुआ है, और मुझे ऐसा लगा कि इसे लगाने के बाद हल्की सी बहुत ही ज्यादा नहीं, बिल्कुल हल्की सी आपके फेस पर जलन सी होती है, इचिंग सी होती है। तो आप अगर चाहें तो अपनी स्किन पर एक बार पैच टेस्ट कर जरूर देखेगा, इससे भी आप अपना मेकअप जो है रिमूव कर सकते हैं। वैसे मेरी और भी फ्रेंड्स ने इसे यूज किया है तो उनके साथ ऐसा नहीं था। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एक और प्रोडक्ट की जो कि सबका फेवरेट होता है, यह है वैसलिन स्किन प्रोटेक्टिंग जेली ओरिजिनल, और काफी अच्छी ये वैसलिन होती है आप सभी जानते हैं, और वैसलिन के भी हैक्स मैंने अपने चैनल पे शेयर किए हुए हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो पे जा सकते हैं। तो ये भी काफी अच्छा एक मेकअप रिमूवर का काम करता है, साथ ही साथ आपकी स्किन को नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है, बहुत ही अच्छी वैसलिन है, और हम सभी के घरों में ये इजीली अवेलेबल हो जाती है और इसका कोई भी नुकसान नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि यार हम तो बचपन से यूज करते आ रहे हैं, आई एम श्योर आपने भी इसे यूज किया ही होगा, और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो आप इससे भी अपने मेकअप को रिमूव कर सकते हैं। और भी बहुत सारे हैक्स हैं, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे शेयर किए हुए हैं मैंने ऑलरेडी, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है मेकअप को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट सबसे इजी जो मुझे लगता है वो है ये बेबी वाइप्स, और ये काफी ब्रांड में काफी तरह की आपको उसमें अलग अलग ब्रांड में मिल जाएंगी। सबसे इजी लगता है मुझे, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये पॉकेट फ्रेंडली भी है, ट्रैवल फ्रेंडली भी है, आप इसे इजीली अपने पर्स में कैरी कर सकते हैं। बच्चों के लिए भी काफी अच्छा है क्योंकि हम अपने फैमिलीज के साथ जाते हैं तो डेफिनेटली इसे रखते ही हैं अपने पर्स में, तो ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है। आप वेट वाइप्स भी यूज कर सकते हैं अपने मेकअप को रिमूव करने के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर घरेलू नुस्खों की। भाई घरेलू नुस्खे तो हम सभी को पसंद आते हैं, मतलब अमेजिंग रिजल्ट देते हैं आपकी स्किन पे और कोई भी आपको साइड इफेक्ट नहीं देते हैं। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ सबसे पहले ऑल टाइम फेवरेट पैराशूट कोकोनट ऑयल 100% प्योर। आप चाहें तो किसी ब्रांड का यूज कर सकते हैं कोकोनट ऑयल, अगर बात की जाए बजट फ्रेंडली तो सबसे पहले नाम आता है पैराशूट कोकोनट ऑयल का। इसकी हेल्प से भी आप अपना मेकअप रिमूव कर सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग वर्क करता है आपकी स्किन पे बिना कोई नुकसान पहुंचाए, बिना कोई साइड इफेक्ट के। अगेन मैं यहाँ पर एक और ऑयल की बात कर रही हूँ जो कि मेरा फेवरेट है, हम सभी का फेवरेट होता है श्योर, फिगारो का ऑलिव ऑयल। ये मैं इसे बचपन से यूज करती आ रही हूँ गाइज, और मुझे कोई भी आज तक इसका साइड इफेक्ट नजर नहीं आया है, बल्कि हमेशा ही मुझे इसके अमेजिंग रिजल्ट मिले हैं, चाहे वो स्किन की बात हो, चाहे वो हेयर की बात हो या नेल्स की बात हो। नेल्स पर भी आप इसे लगा सकते हैं, आपके नेल्स फास्ट ग्रो करता है, तो ये भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। इसकी हेल्प से भी आप अपने मेकअप को रिमूव कर सकते हैं, इससे आपकी स्किन को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, ना ही आपकी आंखों को नुकसान पहुंचता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इसे अपनी पलकों पर लगाते हैं, अपनी आईब्रोज पर लगाते हैं, तो अगर आपकी ग्रोथ नहीं होती है तो उनकी ये ग्रोथ को फास्ट करता है। इसीलिए मुझे ये ऑलिव ऑयल बहुत ज्यादा पसंद है, और इसलिए मैं ज्यादातर अपने DIYs में या विंटर फेस पैक में मैं ऑलिव ऑयल का यूज जरूर करती हूँ। और आई एम श्योर आपने मेरी काफी सारी वीडियोस देखी ही होंगी, भाई नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, ऑलिव ऑयल के फेस पैक मैंने अपने चैनल पे शेयर किए हुए हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है मेकअप को रिमूव करने के लिए। इसकी हेल्प से भी आप अपने मेकअप को जरूर रिमूव कीजिएगा। तो देखा आपने फ्रेंड्स कि कितना इजी होता है कुछ चीजों को मैनेज करना, हमें सभी चीजें घर में ही मिल जाती हैं, बस उसे इस्तेमाल करने का हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो इसी बारे में थी, आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और अच्छी लगी हो।
और अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मैं मिलती हूँ और भी हेल्पफुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।